नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि जो आपका पेट हो जाता है, यानी कि अगर आप फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट जो ग्रुप डी का है वो क्वालिफाइड होते हैं, तो आपके जो जॉब के चांसेस हैं वो 100% हो जाता है। उसी का एक नमूना है, अभी मैं आपको एक नोटिस दिखा रहा हूँ जिसमें 9th DV में भी लगभग 50% लोग अब्सेंट रहे हैं। ये उस समय की बात है जब कोई भी वैकेंसी नहीं थी, उस समय लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। लेकिन अभी जिस तरह के सिनेरियो हैं कि लोग मारा मारी कर रहे हैं, आपके कोई भी पोस्ट हो सरकारी है, लेकिन यहाँ पे 50-50% अब्सेंट होने की क्या वजह हो सकती है? और जो आपके भविष्य में एग्ज़ाम आदर्शिक ग्रुप डी के होने हैं उसमें आपके चांसेस क्या हैं? और एक नोटिस है जिसमें कि 4th DV की बात की जा रही है, ये DV कब तक निकलेगी? यही सब तमाम चीज़ों को चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि जो आपका टेस्ट बुक है वो आपके लिए एक ऑफ़र लाया है, जिसके तहत आप अगर 100% अपना तैयारी करना चाहते हैं तो इस ऑफ़र को ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे 50,000 प्लस सिलेक्शन लोगों ने लिया है, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 400 प्लस एग्ज़ाम का जो मॉक टेस्ट है वो मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे 26,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अगर आपको एक साल के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप यहाँ पे 280 का जो पास है वो ले सकते हैं, लेकिन अगर लाइफ टाइम के लिए पासेज लेते हैं तो आपको 490 पड़ेगा, बशर्ते कि कूपन कोड ERMANIS यूज करते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के तमाम एग्ज़ाम जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, स्टेट गवर्नमेंट और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पास में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो 9th DV शेड्यूल किया गया था उसमें भी लगभग 50% लोग अब्सेंट रहे। देखिएगा यहाँ पे दे रखा है कि 9th स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 362 नॉन PWD कैंडिडेट एंड 5th स्टेज DV ऑफ 48 PWD कैंडिडेट, यानी कि जो विकलांग या दिव्यांग जो हैं 48 लोगों को जो है उनको बुलाया गया था 5th स्टेज में, और जो नॉन दिव्यांग हैं यानी कि जनरल बंदे हैं उनको 362 लोगों को बुलाया गया था 9th DV में। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो बुलाया गया था 22 से 12 अक्टूबर के बीच, यानी कि 22 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच बुलाया गया था, 147 जो कैंडिडेट हैं वो नॉन PWD के वो अब्सेंट रहे, और 29 PWD कैंडिडेट है वो अब्सेंट रहे। तो उनको एक बार फिर से यहाँ पे देखिएगा, दीज 176 स्टूडेंट कैंडिडेट नॉन PWD विल बी गिवन सेकेंड फाइनल चांस टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि होगा 25/10/2021, 26/10/2021 और 27/10/2021 आपके वेस्टर्न रेलवे जो मुंबई है वहाँ पे होगा। तो देखिए, आप कहेंगे कि इनको बार बार क्यों मौका दिया जा रहा है। देखिए, ये क्या होता है ना कि कई बार लोग अनअवेयर होते हैं, हो सकता है कि इनके पास इन्फॉर्मेशन ना पहुँचा हो, तो इसको सरकारी चीज़ें ऐसी ही होती है जो वो अपने रूल के अनुसार चलती है, फीलिंग के अनुसार नहीं चलती है कि हम इनको मौका देंगे या नहीं देंगे। तो रूल के अनुसार इनको बार बार मौका दिया जा रहा है, और यहाँ पे आपका फाइनल चांस दिया गया है कि अगर आप नहीं आते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो इससे क्या मतलब फ़र्क पड़ता है? देखिए, इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो पेट क्वालिफाइड हैं जो अभी बचे हुए हैं इस जोन के, उनको अब मौका दिया जाएगा। ठीक है, इनको तो मौका मिल गया, इनका नंबर ज़्यादा होगा तो इसको पहले मौका दिया गया। अब जो बंदे और भी बचे हुए हैं पेट क्वालिफाइड, उनको अब मौका दिया जाएगा। तो ऐसे करके जब तक पूरा पेट क्वालिफाइड जो लोग हैं वो मतलब कि जिन बुलाया नहीं जाता है, तब तक ये चीज़ें सिलसिला चलती रहेगी, यानी कि 9th DV के बाद आपके 10th भी आएंगे, 11th भी आएंगे, 12th भी आएंगे, जब तक कि उनका सीट फुल ना हो जाए, और जब तक वहाँ दो कंडीशन हो जाता है, एक सीट फुल हो जाएगा तो नहीं बुलाएंगे, दूसरा कंडीशन कि अगर सीट फुल नहीं हुआ है और बच्चे बच रहे हैं, पेट क्वालिफाइड बच्चे बच रहे हैं, तो उनको बुलाया जाएगा। और सीट जनरली फुल होगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो 3 साल पहले सिलेक्टेड बंदे हैं, 3 साल में कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉपर जॉब में चले गए होंगे,
इतना क्राइसिस होने के बाद भी, जो क्योंकि उस समय जो बंदे इसमें क्वालिफाई किए थे वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मतलब कि अच्छे पढ़ने वाले थे, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि पीछे कुछ वैकेंसियां नहीं थी रेलवे का, तकरीबन 3-4 साल से कोई वैकेंसियां नहीं थी, तो वो मजबूरी में सिलेक्ट हो गए। और वो सिलेक्ट होने के बाद हो सकता है कि कोई रिजल्ट का वेट कर रहा होगा, 2015-16 का रिजल्ट का वेट कर रहा होगा, तो उसमें चले गए होंगे, या बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे जो कि टेक्नीशियन में चले गए होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि जेई में चले गए होंगे, तो इस वजह से बहुत सारे अभी पोस्ट खाली जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जो कि आपके डीबी वगैरह का जो शेड्यूल है वो जारी होता रहेगा। तो ये आपके लिए, आप कहेंगे कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब कि अभी मेरा एग्ज़ाम हो जाए, 2019 वाला RRC ग्रुप डी है उसका एग्ज़ाम हो जाए और उसमें जो वैकेंसियां ये जो बची है उसमें डाल दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है कि वैकेंसियां मजबूरी में डाली जाती है, लेकिन अगर उनके पास कैंडिडेट है तो वो उसी कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या इससे जो एग्ज़ाम डिले हो रहा है क्या। देखिए, इससे कोई एग्ज़ाम डिले नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वालिफाइड बंदे हैं, तो इनका और जो अभी का सिनेरियो है, जो अभी एग्ज़ाम लेनी है उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें कितने 100-150 लोग हैं, और 100-150 लोगों को ज्वाइनिंग कराना किसका काम है, RRC का काम है। जो ये 100-150 जो लोग बार बार DB के लिए बुलाए जा रहे हैं, ये RRC काम कर रही है, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम लेगा वो RRC नहीं लेगा, वो आपके एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो एजेंसी है वो लेगा। तो दोनों का काम अलग अलग है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपका एग्ज़ाम इसी वजह से डिले हो रहा है कि अभी DB पे DB नहीं कर रहा है। तो ये जो गलत फहमियाँ दिमाग में आ जाती है ना कि अभी तक DB ही नहीं कर रहा है, तो हो सकता है इसी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा रहे हैं। और एक गलतफहमी ये भी हो जाता है कि अभी वो पुराने कैंडिडेट को ही बुला रहे हैं, तो उनको नए कैंडिडेट की आवश्यकता नहीं है। भाई, नए कैंडिडेट की आवश्यकता है, लेकिन वो एक प्रोसेस है, वो अलग बात है कि इनका प्रोसेस थोड़ा डिले है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और आपका ये वाला जो DB है, देखिए मुंबई में तो अभी 9th DB निकल चुके हैं, तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि मुंबई जोन में जिन लोगों ने इस बार भरा होगा, इस बार जिन लोगों ने मुंबई जोन में भरा होगा, मुझे यहाँ जहाँ तक लगती है कि आपका जो RRC ग्रुप डी है उसमें भी इसी तरीके के 9th DB 10th DB निकलते रहेंगे। तो यानी कि चांसेस मुंबई जोन में काफ़ी है, वहाँ पे दो मुंबई जोन है, तो वहाँ पे दो यानी कि दो वैकेंसी जोन से वैकेंसी निकली है, और लगभग 20,000 के अराउंड दोनों मिला के हो जाएंगे, तो अच्छे खासे वहाँ पे आपके नंबर हैं और वहाँ पे कट ऑफ कम जाने की संभावनाएं हैं। एक और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और नोटिस आई हुई है, मैं एक मिनट इसको खोल लेता हूँ, ये व्हाट्सएप पे ही आई हुई है, एक मिनट। मैं ये जो 4th DB है वो आई है, एक मिनट ये जब तक खुलता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ, ये आपके देखिएगा सेंट्रल रेलवे की तरफ से आई है, ठीक है, सेंट्रल रेलवे की तरफ से। यहाँ पे आपके 4th DB के लिए जो कट ऑफ है उसको डिक्रीज कर दी गई है। यहाँ पे देखिएगा, जो देखिएगा फर्स्ट स्टेज का DB था उसमें 71 गया था UR का मेरिट, और हम लोग में गया था शायद 81 गया था, जो गुवाहाटी जोन है वहाँ पे 81 गया था, और यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस हो जाती है कभी कभी, इतना नंबर का हो जाती है। और यहाँ पे देखिएगा 69 4th स्टेज का जो DB है उसका भी निकाल दिया गया है कट ऑफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 नंबर का डिफरेंस आ गया है। तो जिनका भी ये सेंट्रल रेलवे में है वो 1-2 नंबर से, अगर अभी भी उनको लग रहा है कि अभी उनका 69 नहीं 68 है, तो उनका भी चांसेस काफ़ी है, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि हर एक जोन में जो वैकेंसियाँ हैं वो पूरी तरह से फिल की गई है। तो 1-2 नंबर अगर जिनका भी नीचे है वो अभी फेद कर सकते हैं कि आपका भी चांसेस आएगा। आप क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।